नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिएटिविटी विद सुषमा में। आज हम बनाने जा रहे हैं मोइतो। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और बहुत ही आसानी से बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक लेमन। हम इसे स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। जितने भी आपको पीसेस चाहिए वैसे आप कट कर लीजिए, छोटे बड़े, क्योंकि हमें इन्हें फाइनली क्रश ही करना है। तो ये मैंने इनको क्रश कर लिया है, एक लेमन को। जूसी लेमन होना चाहिए तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो ये अब कट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मिंट लीव्स। ये आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है आपको कितना इसका फ्लेवर चाहिए। तो ये भी मैंने इसमें डाल लिया है। और एक टेबल स्पून शुगर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आपको टेस्ट के अनुसार इसमें शुगर ऐड करनी है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से क्रश कर लेंगे, एकदम फाइन क्रश कर लेंगे कि सारा जो रस है वो निकल जाए नींबू का। तो ये हो गया है। अब हम इसको एक सर्विंग ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैं सर्विंग ग्लास में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप किसी भी तरह का ग्लास ले सकते हैं। ये सारा जूस भी इसमें हम ऐड कर देंगे। सारा हमने इसका निकाल लिया है जितना भी क्रश किया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सम आइस क्यूब्स। आइस क्यूब मैं इसमें 4-5 ऐड कर दे रही हूँ। कितना ठंडा आपको चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठंडा ठंडा पीने में तो मज़ा आती ही है, लेकिन जितना भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। ये मैंने इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जितना भी बड़ा ग्लास आपका है उस अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कीजिए। बहुत आसानी से सोडा वाटर मिल जाता है। तो ये मैंने इसको फुल कर लिया है थोड़ा सा छोड़ के। अब ये फुल हो गया है। अब हम इसको किसी भी स्पून से मिक्स कर देंगे जिससे कि सारा फ्लेवर एकदम बराबर से आ जाए हर जगह। ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। आप सोडा वाटर की जगह कोई और भी लेमन ड्रिंक ले सकते हैं, आप लिमका ले सकते हैं या जो भी आपको मिल जाए। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा मिंट लीव से। इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, टोटली ऑप्शनल है। और नाउ अब हम इसमें एक एक्स्ट्रा लगा देंगे और हम इसको बढ़िया से सर्व करके अब ये पीने के लिए एकदम रेडी है। आप ये ठंडा ठंडा ड्रिंक कहीं भी सर्व कीजिए, लोग रिफ्रेश हो जाएंगे इसको पीकर। अगर आपको आज ये मोइतो की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।